और ग्रुप तीनों चीजें आनी चाहिए ना। नहीं, कॉम्पोजिशन अगर वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहे हैं ना आपसे, तो फिर आप ये जी सर, टाइप्स ऑफ एलिमेंट लिखेंगे, और अगर वो सेम कॉम्पोजिशन, सवाल है हाँ, मतलब। और अगर वो कॉम्पोजिशन पूछेंगे ऑन बेसिस ऑफ लॉन्ग फॉर्म, तो फिर आप वो लिखेंगे पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक। ठीक है, सर अगर लॉन्ग फॉर्म आएगा तो फिर तीनों चीजें आएंगी तो तीनों चीजें आएंगी, पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक, तीनों चीजें आएंगी। और अगर वैसे पूछ सर, रहे हो, लेकिन ग्रुप तो फिर हमारे पास बुक में तो गिवन ही नहीं है, तो ग्रुप आ हाँ, सकता है इस तरह से नहीं, सवाल। ग्रुप आएगा, लेकिन आप ग्रुप में डिटेल नहीं लिखोगे ना। ग्रुप में आप सिर्फ लिख लेंगे कि दो फैमिलीज हैं, फैमिली ए से बी ये है, फैमिली ए में 1 से 8 ग्रुप है, फैमिली बी में 1 बी से और 8 बी ग्रुप है, ये आप लिखेंगे। जिस तरह 9th में, अच्छा, आपने अगर ओ लेवल से किया है, एक्चुअली ग्रुप की डिटेल आप नहीं लिखेंगे कि ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या उनकी करेक्टरिस्टिक्स है, ये आप नहीं लिखिएगा। सिर्फ ब्लॉक लिखा है आपने, उनके साथ में कॉन्फ़िगरेशन, इसके अलावा पीरियड, पीरियड की डिटेल, और ग्रुप में सिर्फ दो फैमिलीज और हर फैमिली का सब ग्रुप, ये आप लिखिएगा। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, बहुत तो इसमें डिटेल नहीं लिखनी। सर, 4 मार्क्स के लिए इतना बड़ा आंसर, पीरियड में हाँ भी तो हाँ अच्छी खासी डिटेल है और ब्लॉक में भी तो वो, है, हाँ बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा। वो लिखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि उसको आप शॉर्ट कर नहीं सकते। ब्लॉक के अंदर डेफिनेशन लिख लें, और उसको वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो जरूरी है, उसके बगैर प्रॉब्लम होगी। तो कुछ आंसर ऐसे होते हैं कि जिनको कंप्लीट करने के लिए उनकी लेंथ बढ़ जाती है, वो जरूरी है करना। ठीक है बेटा, जी और सर, तुम्हारा एक सवाल जो था मेंडलीव की मॉडिफिकेशंस का, वो मैं स्लाइड बना जी के सर, किसी भी क्लास में आपको समझा दूंगा। ठीक है, ओके और सर, ओके, और कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को, और किसी ने कुछ पूछना है, किसी और ने कुछ पूछना है बेटा? अलीजा फारूक, कुछ पूछना है बेटा? और किसी ने कुछ पूछना है? जवाब तो दो बच्चों, कुछ पूछना है किसी ने? एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा कहिए। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है सर। अगर हमारे ग्रुप्स पास क्वेश्चन आता है लॉन्ग फॉर्म का, तो उसके अंदर हमें मतलब ग्रुप्स की डिटेल नहीं लिखनी, सिर्फ की हमने डिटेल नहीं मेंशन लिखते, करना है। हाँ, सिर्फ आप लिखेंगे कि दो ग्रुप्स होते हैं, और ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स के अंदर दो फैमिलीज हैं, फैमिली ए और फैमिली बी, और उन दोनों के अंदर सब ग्रुप जो हैं, उन दोनों के अंदर सब ग्रुप है, वो सब ग्रुप क्या हो जाएंगे, ए और बी, और ए और बी में क्या हो जाएगा, 8 8 8 ग्रुप हो जाएंगे दोनों के अंदर, ये आपको मेंशन करना है। ठीक है और बेटा, सर इनकी सिग्निफिकेंस मेंशन करने की भी कोई जरूरत नहीं नहीं, है ना। सिग्निफिकेंस की जरूरत नहीं, क्योंकि वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इतना डिटेल में आता नहीं है। पहले क्योंकि क्वेश्चन होते थे 6 मार्क्स तक के आते थे, तो उसमें बहुत डिटेल पूछ लेते थे। दादा, अब आपने 4 नंबर में सिर्फ चीज लिखनी है, उसको डिटेल लिखिएगा। ठीक है ठीक बेटा, है सर, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? और किसी ने क्वेश्चन पूछना है बेटा? हाँ सर मुझे बोलो बोलो। सर एक क्वेश्चन है कि स्टेट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, एक्सप्लेन हाउ इट रिमूव द डिफेक्ट ऑफ मेंडलीव्स हाँ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, हाँ तो ये ये वाला। और मॉडिफाइड मॉडिफाइड वाला ना, हाउ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल मॉडिफाइड, ठीक है ना, तो वो मॉडिफाइड के माने उसके डिफेक्ट सब रिमूव हुए हैं, तो मेंडलीव टेबल मॉडिफाइड हुआ है। मैंने आपको ये बात क्लास के दौरान समझाई थी कि देखो मॉडिफिकेशन कैसे हुई है, कि आइसोटोप्स की पोजीशन एक हो गई, जो एटॉमिक नंबर के लिहाज से हाइड्रोजन, जब मेंडलीव क्या बात करोगे, तो मेंडलीव ने क्या कहा था कि एटॉमिक मासेस के लिहाज से हाइड्रोजन की पोजीशन अलग अलग हो रही थी, जब एटॉमिक नंबर के बिहाफ पर आया तो सारे हाइड्रोजन का आइसोटोप एक साथ आ गए। ठीक है, सेकंड लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल में लिख दिया गया, जो मेंडलीव ने साथ लिख दिया था, ये दूसरा डिफेक्ट हो गया। एनामोलीज उसकी रिमूव हो गई किस तरीके से, कि मेंडलीव ने एटॉमिक मासेस के लिहाज से वेरिएशन की थी, जब एटॉमिक नंबर से प्लेस किया गया तो उन तमाम के एटॉमिक नंबर सीक्वेंस में, जैसे आपको मैंने कहा था कि एर्गोन जो जो डिफेक्ट था, कि एर्गोन मेंडलीव ने पहले लिखा, उसका एटॉमिक मास 40 था, और उसने जो है वो पोटेशियम बाद में लिखा, उसका एटॉमिक मास जो है वो था 39, लेकिन जब एटॉमिक नंबर के लिहाज से प्लेस किया गया तो एर्गोन का एटॉमिक नंबर 18 और पोटेशियम का आ गया 19, इस तरह वो सीक्वेंस में आ गए। इसके अलावा क्या था कि उसने एल्कली मेटल्स को और क्वानेज मेटल्स को साथ लिख दिया था उनकी प्रॉपर्टीज के लिहाज से। जब मॉडर्न टेबल आया तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया, जब एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया तो एल्कली मेटल्स लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3,
सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पोटेशियम का 19, कॉइनेज मेटल कॉपर गोल्ड सिल्वर, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, गोल्ड का एटॉमिक नंबर जो है वो 79 और सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47. तो इनमें एटॉमिक नंबर का इतना बड़ा डिफरेंस था क्योंकि वो अल्टीमेटली वहां से सेपरेट हो गए. तो यही इसके डिफेक्ट्स का रिमूवल है और यही मेंडलीव की मॉडिफिकेशन है. ये मैंने आपको क्लास के दौरान समझाया था. इसकी स्लाइड अलग से नहीं बनी है, वो मैं स्लाइड बनाकर आपको सेंड कर दूंगा या नोट्स में भी शायद मौजूद ही, तो वो स्लाइड बनाकर मैं आपको दे दूंगा. तो इसकी मॉडिफिकेशन या रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की एप्लीकेशन, ये तीनों एक ही बात है. रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मॉडिफिकेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. इन तीनों के अंदर आपने लिखना है कि किस तरह से मेंडलीव के डिफेक्ट्स को रिमूव किए गए. ठीक है बेटा. तो जो पहला डिफेक्ट था आपको बताया था आइसोटोप, एटॉमिक स्ट्रक्चर का था पहला डिफेक्ट, वो बोहर ने रिमूव कर दिया था. आइसोटोप्स अल्टीमेटली एडजस्ट हो गए क्योंकि एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के लिहाज से मैनेज किया जा रहा था. लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को बॉटम में प्लेस कर दिया गया, ग्रुप से निकाल दिया गया. एल्कली मेटल्स और क्वाइनेज मेटल्स एटॉमिक नंबर की वजह से जो है वो अल्टीमेटली सेपरेट हो जाए. और जो एनामोलीज है मेंडलीव की वो 100% करेक्ट थी अपनी जगह पर. आज भी उनकी सीक्वेंस वही है कि एर्गॉन पहले है और पोटेशियम बाद में है, कोबाल्ट पहले है और निकल बाद में है, टेलेरियम पहले है और आयोडीन बाद में. एटॉमिक मासेस इनमें एर्गॉन का जो है वो ज्यादा है, टेलेरियम का आयोडीन से ज्यादा है, एर्गॉन का पोटेशियम से ज्यादा है, कोबाल्ट का निकल से ज्यादा है. और यही डिफेक्ट था मेंडलीव का कि उसने हायर एटॉमिक मासेस को पहले लिखा और लोअर एटॉमिक मासेस को लिखा बाद में. लेकिन जब इसको एटॉमिक नंबर के लिहाज से प्लेस किया गया तो एर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 और पोटेशियम का आ गया 19. ठीक है. और जब इसको हमने देखा कि कोबाल्ट में देखा तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर जो है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कम है और निकल का जो है ज्यादा, इस तरीके से टेलेरियम का कम है और आयोडीन का जो है वो ज्यादा. इस तरीके से मेंडलीव के डिफेक्ट्स में मॉडिफाइड हुए और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के जरिए मॉडर्न लॉ जो है बनाया गया. ठीक है बेटा. ओके, और कोई क्वेश्चन पूछना है? जी बेटा, और एनी क्वेश्चन? जी बेटा, और किसे सवाल पूछना है कोई? शाबाश. यस सर. हाँ पूछो पूछो. सर मुझे ये पूछना था किस तरह से हर पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसकी स्क्वायर फॉर्म में, यानी कि अगर फिफ्थ पीरियड है तो उसमें 25 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोर्थ है तो उसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन सर जो सिर्फ सिक्स्थ पीरियड है उसमें सिक्स्थ पीरियड में 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि सर स्क्वायर फॉर्म में तो फिर उसमें भी 36 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. स्क्वायर फॉर्म का आपने कहाँ से देखा? स्क्वायर फॉर्म में कहाँ से पता चला तुम्हें? सर ये मतलब जो सीक्वेंस यानी कि जो डेफिनेशन में थी उसमें इसी तरह था ना कि फिफ्थ पीरियड है तो उसमें 25 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी तरह फोर्थ है, तो उन डेफिनेशन में ही था. नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड है वो है 2n स्क्वायर, स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, वो है 2n स्क्वायर. वो तुमने पीरियड को मर्ज कर दिया है. ये है इलेक्ट्रॉन, जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो होते हैं 2n स्क्वायर. ठीक है बेटा. आप जो अगर के जो है के लिए एन की, अच्छा एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. एन है प्रिंसिपल, आपने इसको पीरियड के साथ ज्वाइन कर दिया है. बोहर के मुताबिक किसी भी शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे 2n स्क्वायर के बराबर होंगे. ठीक है. लिहाजा अब अगर के शेल है तो के शेल के लिए एन की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 आ जाएगा. तो के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है. एल शेल में आओगे तो एन इज इक्वल टू 2, एन जब 2 पुट करोगे 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा. तो एल शेल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 8 होंगे. वो तुम जो कंपेयर कर रही हो वो सही नहीं है. आपने जो इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं किसी भी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पीरियड वाइज नहीं, ये तो एलिमेंट्स का इंडिविजुअल होता है कि उस एलिमेंट्स के पास कितने शेल हैं, उस शेल के लिहाज से आप इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करते हैं. लिहाजा वो होता है इंडिविजुअल. ठीक है. लिहाजा और जो इलेक्ट्रॉन्स आप निकालोगे एलिमेंट का, एलिमेंट के अंदर जो शेल्स होंगे वो 2n स्क्वायर के फॉर्मूले से होंगे, जहां पर n नंबर ऑफ शेल्स हैं और ये n की वैल्यू 127 होगी. इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. n की वैल्यू होगी 127.
और ये 127 सीक्वेंस चलेगी के एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक है, यानी के की वैल्यू 1 है और क्यू की वैल्यू 7 है, दरमियान में सारे शेल्स आएंगे। अगर जब तुम्हें किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे तो आप फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे 2n स्क्वायर, और इस तरीके से आपको उसके नंबर ऑफ शेल्स पता चल जाएंगे। इसकी डिटेल अगर तुम्हें देखनी है जो मैंने पढ़ाया था, आप डिस्कस कर सकते हैं क्वांटम नंबर, जो फर्स्ट हमने पढ़ा था ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमिथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये उसकी डिटेल वहां मिलेगी। अगर आपको किसी भी जगह इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं तो 2n स्क्वायर के फॉर्मूले से आप देखेंगे कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन पूछते हैं? और कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा किसी को? ठीक है, जो भी कंफ्यूजन है आपके लिए, हाँ पूछो, शाबाश बोलो। आपने जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का बताया, मुझे समझ नहीं है। आपको वो बैठ के टॉपिक पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि एक टॉपिक के लिए पूरा एक यूनिट चाहिए। आज के छोटे छोटे क्वेश्चन जो बच्चे कर रहे हैं ना, इसका मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। पूरा टॉपिक पढ़ना है तो या तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लें, वरना आप सेंटर आ जाएं, किसी एक दिन सेंटर आ जाइएगा, मैं आपको वो टॉपिक समझा दूंगा। लॉन्ग फॉर्म के माने होते हैं कि जो मॉडर्न टेबल को मॉडिफाइड किया गया, वो मॉडिफाइड किया गया है पीरियड में, ग्रुप में और ब्लॉक में। इनकी जो डिटेल होती है उसे हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और ये अफबा प्रिंसिपल के लिहाज से किया गया। अफबा प्रिंसिपल आपको पता है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के लिहाज से, लिहाजा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया पीरियोडिक टेबल में, जिसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इसको हमने ब्रेक किया है पीरियड में, ग्रुप्स में और ब्लॉक में। पीरियड 7 होते हैं, ब्लॉक जो है वो 4 बनाए गए हैं, ग्रुप जो है उसकी 2 फैमिलीज हैं, फैमिली ए और फैमिली बी, और हर फैमिली में 8 जो है सब ग्रुप है। अब इनकी फर्दर डिटेल आपको पूछनी है तो आप सेंटर आ जाइए, या वैसे कॉल कर लो, या आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो। ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? हाँ भाई शाबाश, मुझे हाँ बोलो। तुम्हारी आवाज, हाँ बोलो, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आई, बोलो बोलो, क्या कह रहे हो बेटा? सर जैसे आपने टेस्ट में दिया था ना कि एक्सप्लेन कितना लिखना होगा, उसमें हमें पीरियड सारे लिखने होंगे और ग्रुप भी सारे लिखने होंगे। ग्रुप में आपको भी मैंने बताया था ना, जयवंती ने पूछा था, ग्रुप में आप लिखेंगे कि दो ग्रुप्स जो हैं वो क्या होते हैं। ग्रुप के अंदर 2 फैमिलीज हैं, फैमिली ए और फैमिली बी। फैमिली ए के अंदर 8 सब ग्रुप है, 1A से लेकर 8A तक। ठीक है, इसे बहुत लिख दें आप कि इसमें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और नोबल गैसेस हैं। और जो फैमिली बी है वो 1B से लेकर 8B तक है, इसमें जो है वो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट है। सिर्फ ये लिखिएगा, ग्रुप की डिटेल नहीं लिखनी, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। लेकिन पीरियड की डिटेल लिखिएगा, उसमें आप डिटेल में ये लिख सकते हैं शॉर्ट करने के लिए कि अगर पीरियड है तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स है, जो उसकी फर्दर डिटेल है वो छोड़ दें। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स है, सेकंड के अंदर 8 है, थर्ड में 8 है, फोर्थ में 18, 5 में 18, 6 में 32 और 7 इनकम्प्लीट है। ये आप शॉर्ट करके लिख दें, क्योंकि आप अगर आप ग्रुप की डिटेल आप लिखेंगे कि तो बुक में है नहीं, और लिखोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा। लिहाजा आप ग्रुप की डिटेल ना लिखें। ब्लॉक में आप सिर्फ ब्लॉक में लिख दें कि ब्लॉक 4 होते हैं और उनकी जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है ब्लॉक की, वो आप लाजमी लिख दीजिएगा। इस तरीके से कुछ चीजें स्किप करके आप ये पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और किसी को, और किसी को क्वेश्चन पूछना है बेटा? एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा बोलो। सर यहाँ पर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हमारे पास बुक के अंदर एक चार्ट बना हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस ऑर्बिटल्स लिखे हुए हैं, ग्रुप और सब ग्रुप और टाइप्स ऑफ एलिमेंट लिखे हुए हैं, तो सर ये आंसर के अंदर ये बनाना चाहिए क्या? नहीं, आंसर देखिए इसमें 2 है। मैंने, अगर आपने क्लासेस, आपने शायद पूरी ली है क्लासेस, आप देखे तो मैंने आखिरी जो क्लास ली थी उसमें चार्ट बनाया था, याद है आपको? यस सर, ये वही चार्ट है। ये चार्ट इसलिए बनवाया था कि एक दफा एग्जाम में ऐसा पार्ट आया था जिसमें आपको सिर्फ ये चार्ट बनाना था कि आपको वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए तो अब ये चार्ट बना लें।
सेकंड, अगर आप नोट्स देखें जो मैंने आपको स्लाइड्स पढ़ाई है, तो आप देखें जब हमने डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक या एस या पी ब्लॉक पढ़ाया है तो उसके अंदर वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, सही है ना? Yes, तो अगर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आ रहा है तो आप अलग से चार्ट ना बनाओ, क्योंकि ये वैसे ही बड़ा क्वेश्चन है, उसमें दरमियान में जो वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन उसको आप हाईलाइट कर दें। अगर टाइम बचता है तो आप चार्ट बना लें, लेकिन चार्ट उस टॉपिक के अंदर शामिल है। और अगर चार्ट बनाने का मकसद अगर आपसे ये पूछे कि आप सिर्फ बैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन लिखें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की और नोबल गैस की और आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की और इनर की, तो फिर आप अलग से चार्ट बनाकर शो करें। जब तुम लॉन्ग फॉर्म लिखो तो चार्ट ना बनाओ, टाइम ज्यादा लगेगा। उसमें जो डिटेल लिखी हुई है, हर टॉपिक में बैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, वहां से उठाकर हमने उसको चार्ट की शक्ल दे दी है। ठीक है बेटा, और कोई सवाल? हाँ, और कोई सवाल बेटा, किसी ने पूछना है कुछ? सर जी बेटा, सर इसी टेबल में जो है वो ट्रांजिशन जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उसमें 3B लिखा हुआ है ग्रुप, तो ये तो गलत है ना? नहीं, 3B इसलिए लिखा हुआ है, 3B से लिखा हुआ है कि वो ग्रुप जो है ना वो कंटिन्यूएशन में है। कहां से? कंटिन्यूएशन में वो कहां से है? वो कंटिन्यूएशन के अंदर है 3B से, लैंथेनाइट से, लैंथेनियम से। इसलिए उसके कुछ एलिमेंट जो है उस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं जो बड़े एलिमेंट्स हैं, लेकिन एफ ब्लॉक ग्रुप में शामिल नहीं है। एफ ब्लॉक ग्रुप में शामिल नहीं है, उसमें 3B के कुछ एलिमेंट्स हैं जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं, इसलिए वहां पर इसको मेंशन किया गया। अदरवाइज इसको हमने किसी ग्रुप में इंक्लूड नहीं किया गया, और इसीलिए कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वो समझते हैं कि शायद लैंथेनाइड्स का ताल्लुक 3B ग्रुप से, तो लैंथेनियम की कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो वहां पर मौजूद है। कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एफ ब्लॉक से रिसेंबल रखती है 3B की, अदरवाइज इसका ताल्लुक किसी ग्रुप से नहीं है। ठीक है, हाँ भाई, और कोई बेटा क्वेश्चन पूछना है किसी और ने? जी भाई, तारक से खामोशी छा गई। हाँ बेटा, और किसी ने कोई सवाल करना है? शाबाश, जवाब तो दो, यस और नो, ताकि आगे चलें। सर मुझे करना है। हाँ बोलो 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 बोलो। सर साइंटिफिक रीजन देना है, एवरी पीरियड स्टार्ट फ्रॉम NS1 एंड एंड्स एट NS2 NP6, इसमें क्या लिखेंगे? हाँ ये तो तुम्हें आना चाहिए बेटा, क्या हो गया क्या हो गया? सर इसमें रीजनिंग क्या दूंगी मैं? ये इसलिए कि एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हॉरिजॉन्टली, ठीक है? और जब आप हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ोगे तो हर एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में एक का इजाफा हो रहा है। जब एटॉमिक नंबर में एक का इजाफा होगा तो उसके शेल में और सब शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस फ्रॉम S1 टू P6। S1 के माने 1A ग्रुप, P6 के माने क्या हो जाएंगे 8A ग्रुप, एंड इन एवरी ग्रुप 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन द शेल ऑफ एलिमेंट। ये रीजन आपको वैसे सेंटर से मिल जाएंगी, लेकिन कुछ रीजन तुम लोगों को खुद आनी चाहिए यार, तो सिंपल सी थी। S1 के माने क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। S1 yes, के S1 के बाद क्या आएगा बताओ? S2 S2 के माने क्या हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब 2 yes, के बाद 2 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे, P1 आ जाएगा, ठीक है बेटा। फिर 4 हो जाएंगे तो P2 हो जाएगा, ये जाकर कहां पर एंड हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन P6 पर। तो क्योंकि हर ग्रुप में एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो रहा है, डेट्स वाई उसके शेल्स में, शेल सेम है, सब शेल्स में इजाफा होता जा रहा है, वो डेट्स वाई वो S1 से शुरू होगा और P6 पर एंड होगा, ठीक है बेटा? यस। अच्छा, और कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? जी भाई, जी बेटा, और किसी ने कुछ क्वेश्चन करना है बेटा? भाई जवाब तो दो बच्चों। हेलो, सब सो गए? चाय वाय पीने शुरू हो गए तुम लोग? सर हाँ बोलो। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछने। हाँ पूछो। सर रेयर अर्थ एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, हाँ ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एक तो होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रुप को। रेयर मेटल्स जो होते हैं वो ऐसे मेटल्स होते हैं जो बहुत रेयर हासिल होते हैं, बहुत कम मिकदार में जो हासिल होते हैं। ये कुछ मेटल्स हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के हैं जो जिन्हें हम रेयर मेटल्स कहेंगे,
कुछ एलिमेंट्स हैं जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, जैसे यूरेनियम है, ठीक है ना, यूरेनियम है, प्लैटिनियम, यूरेनियम है, प्लैटिनियम है, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो बहुत कम मिकदार में हासिल होते हैं, इन्हें हम नाम देते हैं रेयर मेटल्स का, जो अर्थ में से मिलेंगे लेकिन कम होंगे, इसको हम रेयर मेटल्स कहेंगे। और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहेंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहेंगे वो होगा सेकेंडरी ग्रुप, ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, और किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछना है बेटा, एनीवन? हाँ भाई, किसी और ने सवाल पूछना है बेटा? जी बेटा, किसी और ने सवाल पूछना है? और सर मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है। सर, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, तो इनकी कोई रीजन है जो इन्हें आउटर कहते हैं और इनर? हाँ हाँ, ये तुमने लास्ट क्लास नहीं ली थी, मैंने बताया था आउटर और इनर। सर मुझे सही से समझ ही नहीं आई। आउटर और इनर कहते हैं जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो आखिरी दो सब शेल होता क्या है, जब केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो केमिकल रिएक्शन में जो आखिरी सब शेल होगा वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जो हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है और सब शेल में, जो आखिरी सब शेल होगा उस आखिरी सब शेल में का जो इलेक्ट्रॉन है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनके आखिरी दो सब शेल पार्टिसिपेट करते हैं, एक 4s होता है और एक 3d होता है, ठीक है। इस तरह जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इसके आखिरी तीन जो सब शेल्स होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, क्योंकि दो शेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं लास्ट के, तो उसको हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। और एफ ब्लॉक में एक तीसरा शेल इनर भी शामिल है, आखिरी वाला जो आखिरी से दो शेल पहले भी शामिल है, इसलिए इसे हम नाम देंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का, कि इसके जो अंदर के सब शेल्स हैं वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लिहाजा एफ ब्लॉक को इनर और डी ब्लॉक को कहेंगे आउटर। ट्रांजिशन के माने हैं कि एस और पी के दरमियान में होंगे, तो एफ ब्लॉक भी क्योंकि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, लेंथेनियम और एक्टेनियम के बाद आ रहा है, और उसके उसके जो एटॉमिक नंबर है वो भी दरमियान में आ गए डी ब्लॉक के, एस और पी के, इसलिए इनको हम कहेंगे ट्रांजिशन। क्योंकि एफ ब्लॉक का इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसको हम इनर ट्रांजिशन कहते हैं। डी ब्लॉक का आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर, उसको हम कहेंगे आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। और किसी ने क्वेश्चन सर, और ये जो है सर, सारे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक सब जो एलिमेंट्स हैं, ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आते हैं? सब ट्रांजिशन है, सब ट्रांजिशन है, डी और एफ सब ट्रांजिशन है। इसमें डी को आउटर और एफ को इनर कहते हैं। यस सर, ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा किसी को? हाँ भाई, और किसी ने कुछ पूछना है? जी बेटा, और किसी ने सवाल पूछना है बेटा? किसी ने? बोलो बेटा, आगे चले हम। हेलो सर, मेरा एक और सवाल है। हाँ पूछो। सर, ये बुक में पीरियड 7 में एक चीज लिखी है कि 14 एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक विद कॉन्फ़िगरेशन 7s2 6d1 4f1 2 7s2 6d1 एंड 5f14 एक्टिनाइड्स। सर, ये 4f1 की जगह 5f1 नहीं आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एक्टिनाइड्स की बात हो रही है। तो एक्टिनाइड्स, अब ये तो कॉन्फ़िगरेशन देखने पड़े किस एलिमेंट क्या बात कर रही है। सर लिखे हैं 14 एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक, तो उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखी है ना बेटा, 14 एलिमेंट्स। सर तो 5f1 से स्टार्ट होगी ना, 4f तो लेंथेनाइड्स में आ जाएगा ना, यहाँ तो एक्टिनाइड्स की बात हो रही है। नहीं नहीं, वो तो आप मुझे नहीं समझ पा रहा, तुम सवाल क्या कर रही हो? सर बुक में पीरियड 7, पीरियड जो यहाँ पे लिखा है ना, पीरियड 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में लिखा हुआ है कि दिस पीरियड इंक्लूड्स 2 एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक और साथ में कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है सबकी। सही है, सही है। तो एफ ब्लॉक का लिखा हुआ है कि 14 एलिमेंट्स हैं एफ ब्लॉक के और वो एक्टिनाइड्स हैं सारे, पीरियड 7 एक्टिनाइड्स ही आते हैं, तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन है 7s2 61 4f1 से लेकर 7s2 61 और 5f14,
सवाल ये है कि 4F1 यहाँ पे सही है? हाँ सही है, 4F1 कैसे सर? 4F1 तो लैंथनाइट है ना? नहीं नहीं वो शुरू वहां से हो रहे हैं ना, एक्चुअली आप देखें कि उनकी जो एटॉमिक नंबर है वो कहां से शुरू हो रहे हैं, उनके एटॉमिक नंबर कहां से शुरू हो रहे हैं। आप जब इसकी कॉन्फिगरेशन ड्रॉ करोगे ना, जब आप इसकी कॉन्फिगरेशन ड्रॉ करोगे, आप किसी एक ही ड्रॉ कर लें, आप जैसे एक्टिनाइड्स है तो एक्टिनियम के बाद, और एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 89 है, तो आप थोरियम की, आप थोरियम की कॉन्फिगरेशन ड्रॉ करके देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। ये तो जो कॉन्फिगरेशन ड्रॉ की गई है, ये तो कॉन्फिगरेशन जो ड्रॉ की गई है, ये तो ड्रॉ की गई अफबा प्रिंसिपल के मुताबिक जो आपको चार्ट बनाया था हमने। आप एक कोई भी एलिमेंट लें, 90, 91, 92 यूरेनियम के ड्रॉ कर लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो तो सब एनर्जी लेवल्स आगे बढ़ रहे हैं। तो आप जब यूरेनियम की कॉन्फिगरेशन ड्रॉ करेंगे या आप थोरियम की कर लें 90 की, तो तुम्हें उससे अंदाजा हो जाएगा कि एलिमेंट्स कैसे एडजस्ट हो रहे हैं, कि वो तो हम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं ना बेटा। लिहाजा आप वो चार्ट बनाएं और 90 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लेके 90 थोरियम का और कॉन्फिगरेशन ड्रॉ कर लोगे, तो तुम्हारा ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि कैसे आ रहे हैं, क्योंकि एनर्जी लेवल्स के लिहाज से एडजस्ट किया गया ना। और फिर एक बात ये बताऊं मैं आपको, आपको हमने डिफेक्ट, इसलिए मैंने बताया था बुक में डिफेक्ट नहीं लिखे हुए, कि कुछ चीजें जो है ना वो डिफेक्ट्स मौजूद हैं जिनको एडजस्ट करके हम आगे चला रहे हैं। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हीलियम को यहाँ होना चाहिए, हीलियम है 8th ग्रुप में, कहीं से मैच नहीं कर रहा, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रॉपर्टीज के लिहाज से एलिमेंट को एक साथ प्लेस कर दिया गया है, वहां पर अगर कुछ चीजें आगे पीछे हैं तो उसको उस वक्त उसको इग्नोर करके उनको प्लेस किया गया। लेकिन ये चीज सही लिखी हुई है, आप जब इसकी कॉन्फिगरेशन ड्रॉ करेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा भाई, और आगे कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा किसी को? हाँ बेटा, कोई सवाल पूछना है? सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है। हाँ हाँ बहुत पूछो यार, टेंशन क्यों ले रही हो तुम, 10 और। अच्छा सर, तो मुझे ये पूछना है कि 24 एटॉमिक नंबर है और 29 है, ठीक है ना, पीरियड ब्लॉक और ग्रुप फाइंड करना है हमें, तो जो है हम उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम कौन सी ड्रॉ करेंगे, वो वाली ड्रॉ करेंगे जो मतलब जो लास्ट को हम 10 लगा देंगे उसमें, या नहीं? नहीं नहीं लगाएंगे, मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हम उसकी उसके एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे। हाँ, एक्चुअल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ड्रॉ करके आप निकाल देंगे। यस सर, क्रोमियम और कॉपर की जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है सर। और सर ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, हाँ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो इनके पीरियड ग्रुप और ये फाइंड करने के लिए आते तो नहीं हैं? नहीं नहीं आते, या आते हैं? नहीं आते, नहीं आते, और अगर आएंगे तो इसका ग्रुप नहीं होगा, इसका ग्रुप नहीं होगा, बिकॉज ये तो ग्रुप में है नहीं ना बेटा, ये तो पीरियड और ब्लॉक में, तो ग्रुप में नहीं आएगा ये, सही है। और कोई क्वेश्चन पूछना है जी बेटा? और कोई सवाल पूछना है किसी को? सर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्या होता है? ये हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में डिटेल से ना। ये मैग्नेट की जो तीन टाइप्स के मैग्नेटिक है, एक पैरामैग्नेटिक है, एक डायमैग्नेटिक और एक है फेरोमैग्नेटिक। थोड़ा सा बता दूं, दो तीन मिनट रह गए, इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट में। एक्चुअली जितने भी हमारे पास चीजें हैं, जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है ना तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इसके लिहाज से हमने एलिमेंट्स की तीन टाइप्स बनाएंगे, एक को हम कहते हैं डायमैग्नेटिक, एक को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक और एक को हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक होंगे जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे, उनमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होती है और फिर वो कैंसिल हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस तरीके से होती है कि कुछ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, कुछ उसको कैंसिल कर देते हैं। पैरामैग्नेटिक जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती रहती है, और अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाएंगे तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, लाइक आयरन है, ठीक है, ये निकल है, कोबाल्ट है, तो आप इनको जब मैग्नेटिक फील्ड में जाओगे लेकर तो ये मैग्नेट्स को अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेंगे ये दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। जैसे आप कोई नेल ले लें या पिन ले लें तो उसको आप मैग्नेट से निकाल, जब मैग्नेट के करीब जाएगी वो तो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगी, मैग्नेट से बाहर निकाल लोगे तो वैसे ही अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। फेरोमैग्नेटिक होंगे जिनमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, और जब उसको तुम किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाओगे तो वो परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। लिहाजा जो परमानेंट मैग्नेट बन जाए वो फेरोमैग्नेटिक है, जो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट हो और बाहर निकल के अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए वो पैरामैग्नेटिक है, और जो मैग्नेटाइज ना हो सके मैग्नेटिक फील्ड में
तो उसे हम नाम देते हैं डाया मैग्नेटिक सब्सटेंसेस का। इस तरह डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में हम चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? हाँ भाई, बाकी सब सुन रहे हैं, सो रहे हैं, समझ में बात नहीं आ रही मेरे? किसी और ने सवाल पूछना है? बाकी सब गायब है, मेहर, मारिया, निमरा, राफिया, गनिया, हमना, सुमैया, इंशरा, इतने सारे हैं और सब सुने, सब सुने। जी भाई, कुछ पूछना है? नो सर, नहीं पूछना। नहीं पूछना, गुड, इतना अच्छा पढ़ा दिया हमने, वेरी गुड। अच्छा, अब जरा देखें बेटा कि अब टाइम हमारा खत्म हो गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया, आपकी प्रॉब्लम्स हमने शेयर कर ली। देखिए, इस ये जो आज की जो हमारी मीटिंग है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपके जितनी प्रॉब्लम्स थी वो आपने आज शेयर कर ली। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप सेंटर, एक या दो बच्चे सेंटर भी आ सकते हैं, आके आप पूछने पर टाइम लेकर आइएगा। ठीक है, तो अब आप इस चैप्टर को याद करें। कल से हम इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 2 जो है वो शुरू करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता। अब इसका मकसद है कि आपको पूरा क्लास का एटमॉस्फेयर मिल रहा है, तो आप अगर कोई बात रह भी जाएगी तो हम चैप्टर के एंड में इस तरह प्रॉपर डिस्कशन रखेंगे, जितने सवाल आपको आप पूछ लें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। लिहाजा आप चैप्टर के दौरान पूछ सकते हैं, वो मैं आपको बार बार पूछता हूँ, आखिर के 2-3 मिनट देखे मैं जो है वो वीडियो ऑफ करके आपसे डिस्कस कर रहा होता हूँ। सवालात अगर हों तो हम चैप्टर 2 में हर चैप्टर में करेंगे, जब आखिर के 3 या 4 मिनट बचेंगे तो मैं उसमें रिकॉर्डिंग ऑफ करके आपसे डिस्कस कर रहा होता हूँ, तो आप उस वक्त अपने सवालात लेके बैठे, और जैसे ही मैं आपसे पूछूँ क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप डेली बेसिस पे सवाल आखिर के 3-4 मिनट पूछ सकते हैं। फिर चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम इस तरह एक ग्रुप डिस्कशन रखेंगे, जिसमें आपको जितने सवालात पूछने आप वो क्वेश्चन पूछें। इसके अलावा भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं कोशिश करता हूँ बेटा कि मैं आपको जवाब दूँ। जो जो बच्चे मुझे सेंड कर रहे हैं मैं उनको लाजमी रिप्लाई कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो आई होप डैट कि आज की क्लास बहुत बेहतर हुई आपके लिए, जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिमूव हो गई हैं। अब इंशाल्लाह ताला कल हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो शुरू करेंगे। ओके, दैट्स ऑल टुडे।